धन कमाने से ज्यादा जरूरी क्या है दुआएं कमाना धन सामान लाएगा दुआएं क्या लाएंगे दुआएं क्या लाएंगे खुशी लाएंगे अच्छा और क्या लाएगी दुआएं शांति लाएगी गुड और क्या लाएंगे धन इलाज लाता है दुआएं सेहत लाएगी दुआएं प्यारे रिश्ते लाएगी क्यों दुआएं मींस एनर्जी हमारे घर एनर्जी आएगी तो अब सारा दिन में दुआएं कमानी चाहिए या नहीं कमानी चाहिए तो फिर किसी को डांटना किसी को डांटना बिजनेसमैन के लिए तो बहुत इजी होना चाहिए वो इसमें मेरा लॉस हो रहा है आज से अभी से वेरी गुड सी और सोचेंगे और देखेंगे और कोशिश करके देखेंगे बिजनेसमैन भाषा नहीं है वो यहां लॉस हो रहा है अब इसे चेंज आजकल लोगों की आंतरिक शक्ति थोड़ी घटी हुई है वो जल्दी जल्दी बातों को भूलते नहीं है इसलिए इस समय पर किसी को डांटना बहुत रिस्की हो गया वो भूलते ही नहीं बात को उसको अंदर 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 करते जाते हैं और जितना वो करते जाएंगे वो सारी एनर्जी कहा आएंगे हो चुकी है गलती ऑलरेडी हो चुकी अब ध्यान क्या रखना है अब ध्यान क्या रखना है एक हो चुके राइट right? एक चीज हो चुकी अब ध्यान क्या रखना है मुझे नेक्स्ट नेवर उसके लिए मुझे अपने स्टाफ को क्या करना होगा एम्पावर एफिशिएंसी को बढ़ाना इट डज नॉट मीन अच्छा अच्छा आपने गलती कर दी कोई बात नहीं नो no. जस्ट एंगर नहीं डिसिप्लिन इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज उसी बात को कहने का और करने का सिर्फ तरीका क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसको करने के प्रोसेस में सबसे पहले शक्ति किसकी घट रही है प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चला गया खुशी क्यों गवाते है? खुशी क्यों गवा रहे है? सेहत क्यों गवा रहे हैं खुशी और सेहत इंटैक्ट रही बहुत प्रोजेक्ट आएंगे लेकिन खुशी और सेहत ही चली गई प्रायोरिटी वो ही चीज करनी है लेकिन करने का तरीका करने का तरीका करें नो एंगर जोन ऑफिस में करें जाके चिपका देना अपने कमरे के दरवाजे पे। वो मेरे ऊपर करेगा तो मैं भी अपने आप करूंगा ही फिर ऑटोमैटिकली कुछ नहीं होता ये ऑटोमैटिकली तो हटाना है सिर्फ अभी तक क्या हो रहा था ऑटोमैटिकली गुस्सा कर रहे थे ये ऑटोमैटिक को ही हटाना है सिर्फ ऑटोमैटिक मीन्स नो पावर एम नॉट चूजिंग इट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग क्योंकि मैं अपने इनर पावर को यूज नहीं कर रहे तो एक तो कस्टमर का प्रेशर और दूसरा अपना गुस्सा डबल नुकसान जिस समय जितना ज्यादा प्रेशर होगा जिस समय जितना ज्यादा प्रेशर होगा उस समय उतना ज्यादा अपने मन की स्थिति को कैसे रखने की जरूरत है जब कोई प्रेशर ना हो जब कोई प्रेशर ना हो कोई काम ना हो तो मन करे तो दो तीन मिनट गुस्सा कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जिस दिन प्रेशर है उस दिन नहीं करना कांट इन क्राइसिस इन क्राइसिस स्थिति कैसी चाहिए स्टेबल गलती हो जाएगी अनरिपेरेबल गलती हो जाती है <tip> हाँ और शाम दो 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 ये सिचुएशन फिर आएगी गुतवा दिस इज अ फैक्ट कि वो तो आती रहेगी हो सकता है सिचुएशन इससे भी कभी और बड़ी हो जाए और अगर हमने आज ये प्रोग्रामिंग कर ली कि सिचुएशन तो आती रहेगी और फिर उस टाइम बेर करना बहुत मुश्किल है और फिर गुस्सा तो हो ही जाएगा ऑटोमैटिकली हो जाएगा तो फिर खुशी हैपनिंग है को सिर्फ देखते नहीं रहो हैपनिंग को एक बहुत प्योर और पावरफुल थॉट्स की वाइब्रेशन देते रहो वी हैव द पावर वी हैव द पावर कि सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं एक लाइन थी जो बचपन से सुनी है संकल्प से सृष्टि बनती है राइट या रोंग आप मानते हैं इस बात को आप मानते हैं क्या इस बात को कि संकल्प से सृष्टि बनती है तो संकल्प से सृष्टि मतलब मेरी थॉट से मेरी दुनिया बनती है अभी हम क्या कह रहे हैं वो डिलीवर नहीं हुआ प्रेशर था तो गुस्सा तो आना ही था मतलब हम क्या कह रहे हैं सृष्टि से संकल्प बनता है कि सृष्टि डिस्टर्बिंग थी सृष्टि डिस्टर्बिंग थी तो संकल्प तो डिस्टर्ब होना ही था होना ही था अब कल पीयूष भाई ने अनुभव में सुनाया कि मेरी टीम ने फोन करके कहा साहब डेट्स ही नहीं ठीक है उन्होंने कहा डेट्स तो अच्छी चीज है सेहत के लिए भी अच्छी होती है आपने हस, आप हसे भी और आपने ताली भी बजाई आप हंसे भी और आपने ताली भी बजाई आपने उस टाइम उनको ये नहीं कहा यह कौन सा काम करने का तरीका मतलब तुम्हारी डेट्स नहीं मिल रही थी और तुम्हें वो वाली खजूर याद आ रही थी उस टाइम पे ये तो किसी ने नहीं, नहीं कहा हंसे भी और ताली भी बजाई ये सिर्फ हंसना और ताली बजाना नहीं है जीवन जीने का तरीका सीखना है तरीका सीखना है जो चीज सुनने में अच्छी लग रही है जो चीज सुनने में अच्छी लग रही है वो जीवन जीने में कितना फायदा देती होगी परिस्थिति ऑलरेडी खराब हो चुकी है अब परिस्थिति से खुद को खराब करना या खुद ठीक रहकर परिस्थिति को ठीक करना है ये दो जीवन जीने के तरीके हैं हम कौन सा जीवन जी रहे हैं इस टाइम सृष्टि से संकल्प और हम अपने आप को जस्टिफिकेशन भी अच्छी लंबी लंबी देते हैं फिर पता क्या हुआ ऐसा फिर वो लोगों ने क्या किया ऐसा ये सारी कहानी सृष्टि की है विच इज ट्रू वो फैक्ट है कि सारा कुछ बाहर एकदम गड़बड़ है लेकिन सृष्टि से संकल्प नहीं सृष्टि से संकल्प नहीं संकल्प से सृष्टि इसका मतलब सृष्टि जितनी ज्यादा बिगड़ी हुई होगी संकल्प संकल्प उतना ही ज्यादा सही होना चाहिए जब सृष्टि बिल्कुल सही होगी उस टाइम अगर एक दो गलत संकल्प क्रिएट कर दिया तो कोई बात नहीं लेकिन जिस हाँ हो गई नहीं ना ऑटोमेटिकली लेकिन जिस समय सृष्टि गड़बड़ है उस टाइम कभी यहां गड़बड़ नहीं क्रिएट करना वो इनर पावर चाहिए